हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो जो बनाए हैं वो हरमोती चाय बागान का बारी है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा वहाँ में एक तरह से। तो यह है कि एक दिन हम आ तो रहा था वहाँ से, तो हम भी थोड़ा सा घर जाने को जल्दी था, लेकिन अचानक से बीच में वो दो बदमाश लड़का लोग आके मेरा बाइक को ठोकर मारा था, SZ RR बाइक को। तो हम थोड़ा बाद में मेरा गियर को सब कुछ ख़राब कर देते, इसके हम थोड़ा सा हक मांगने के लिए गए, तो हमको ही उल्टा, मतलब अगर आप लोग वहाँ में सही भी होगा ना, तब भी आप लोग को आपको मतलब कि बहाना मार के वो लोग अपना गलती होते हुए भी वो लोग मानने को तैयार नहीं होगा, मतलब वो लोग। तो आप लोग जितना हो सकते वो बागान से दूर रहो, मतलब खास करके अरुणाचल वाले लोग को तो और भी, मतलब जितना ज़्यादा हो सकते हो हरमोती बागान गेट से दूर रहो। हम ये वीडियो आप अंदर से तो नहीं खींचा है, बाहर से खींचा है, गेट बाहर से खींचा है, और वो पीछे का वाला गेट का भी उसको भी हम बाहर से मतलब खींचे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है वो हरमोती चाय बागान से दूर रहो आप लोग। ये गेट जो है इसमें कभी मत आओ, ये यहाँ का पीछे का जाने वाला रास्ता लोग है। तो गाइस यही वीडियो था आप लोग को यही समझाने के लिए कि खास करके मेरा अरुणाचल वाला लोग के लिए, भाई बहन सब लोग, आप लोग हो सकने से वो हरमोती बागान गेट से, चाय बागान से हो सकने से मत जाओ वहाँ में। और गलती से भी वहाँ का कोई अगर आप आदमी लोग या बच्चा लोग गलती से ठोकर मारने से वो लोग कुछ बहाना मारेगा मतलब, लेकिन अगर आप अपना हक के लिए कुछ भी वहाँ मांगने के लिए जाएगा, आपको ही वो लोग धक्का दे के, मारपीट करके, गाली दे के, दादागिरी दिखा के आप लोग को ही वो करेगा। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग वो चाय बागान से दूर रहो, मतलब वहाँ का लोग जानवर लोग जैसे तप गए, मतलब ऐसे ही है, हर कोई अपना अपना जगह में मतलब पावरफुल होता है। ये वो लोग अपना एरिया है तो अपना वहाँ दादागिरी दिखा रहा था, वो लोग अकेला कुछ नहीं कर सकते, मतलब अकेला होने से वो लोग गिदर गिदर में वो लोग ग्रुप बन के आते हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकते हैं चाय बागान से दूर रहो, हरमोती चाय बागान, टी बागान, टी गार्डन का वहाँ से। सच बोलेगा वो लोग कभी भी 1-to-1 फाइट होने से वो लोग नहीं सकेगा, हमेशा ग्रुप बन के आते हैं, वो लोग दम नहीं है वो लोग में, डरपोक है वो लोग, बात करवा लग सकते हैं लेकिन यही सच बात है, वो लोग अकेला कुछ लड़ने का हिम्मत नहीं है। 1-to-1 सिंगल सिंगल हैंड फाइट करेगा तो वो लोग नहीं सकेगा, ये हम एक तरह वो लोग का एक नेचर हम देख चुका है, ग्रुप में आते हैं ये लोग में हिम्मत नहीं है अकेला अकेला लड़ने के लिए, यही सच है। तो वीडियो का यहाँ मैं एंड कर देता हूँ, थैंक यू।